तुला राशि वालों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आप दिन दोगुनी रात सौगुनी तरक्की करें। तुला राशि वालों, आज शाम 6:21 बजे से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ तुला राशि वालों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आने वाली है, क्योंकि तुला राशि वालों आप पिछले समय अंतराल में अपने जीवन काल में बहुत दुख दर्द बहुत परेशानियों का सामना किए हैं तुला राशि वालों, तो यहाँ तक आप अपने जीवन काल में परेशान भी हो चुके हैं। लेकिन तुला राशि वालों, यह बात आप सभी जानते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान जब भी देते हैं सब फड़ फाड़ के देते हैं और शुद्ध मुहूर्त लगा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को जरूर मदद करते हैं और अपने भक्तों के जीवन काल में कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे कि दोस्तों उनके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, यह समय ग्रहों की जो शुभ स्थिति बन रही है, ग्रहों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इससे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ग्रहों की जो यह धन है आपके धन में वृद्धि कराने वाले ग्रह हैं और आपके घर पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी आज आपको कुछ संकेत देने वाले हैं, इन्हें आपको पहचान कर आपको अपने जीवन काल में अमल करनी है। दोस्तों आप सभी की जानकारियां जो है इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों थोड़ा सा भी वीडियो को मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ी जानकारियों से वंचित रह जाएंगे और यह मौका हाथ से भी छूट सकता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जय माता दी लिखेगा, उन्हें माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके घर कभी भी पैसों की तंगी पैसों की समस्या नहीं रहेगी, इसलिए दोस्तों आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े शुभ विचार से। देखिए दोस्तों, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो मुझे गम हो और जब मैं गम में पढ़ूं तो मुझे खुशी हो। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़े ही सुंदर जवाब दिए और कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के यह अनमोल विचार अगर आपको अच्छी लगी हो सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें राधे राधे जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों जानते हैं कि आज आपके सभी के जीवन काल में क्या क्या बदलाव होंगे, कौन कौन से चमत्कार होंगे और किस तरह से आपके धन दौलत में वृद्धि होगी, किस तरह से माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन काल में चमत्कार करेंगे, समस्त जानकारियां देंगी। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तुला राशि वालों, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लेकर आएगा। व्यापार से संबंधित यदि कुछ मामलों में समस्या आ रही थी तो वह किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से काफी सुलझ सकती है। आपके अच्छे कामों से अधिकारी भी काफी प्रशंसा करेंगे जिससे कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की भी मिलती हुई दिखाई देगी। तुला राशि वालों, यदि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आपके अकस्मात कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं और आपको परेशान करेंगे, लेकिन दोस्तों चिंता करने की बजाय आप इनका समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें, समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। तुला राशि वालों, आपको बताना चाहेंगे परिवार में आज किसी सदस्य के विवाह की बात भी चल सकती है, समय अभी आपके अनुकूल है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी आज का दिन आपकी रचनात्मकता बढ़ाएगी और आपको किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से अभी बचना होगा, अन्यथा आपकी जो है सलाह का कोई गलत जो है विवाद खड़ा कर सकता है,
और कार्य क्षेत्र में यदि कोई लाभ का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसके उपरांत विद्यार्थी परीक्षा के लिए अपने किसी सीनियर से बात जो है कर सकते हैं, और किसी संपत्ति संबंधित विवाद में यदि आपको किसी पिताजी से सलाह मशवरा करना हो तो आप जरूर करिएगा। इसके उपरांत आज आप किसी की कही सुनी बातों पर लड़ाई झगड़ा इस समय बन सकती है, इसलिए आपको इस समय किसी की भी कही सुनी बातों पर अमल करने से अभी बचना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे कुल मिलाकर आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आप कामकाज के सिलसिले में किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकती हैं, जो कि यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक एवं सुखद बना रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में यदि आप किसी बड़े बदलाव की सोच विचार कर रहे हैं तो उसे करने में आप सफल रहेंगे। आपका कोई मित्र इस समय धोखा दे सकता है जिससे आपका मन थोड़ा बहुत परेशान रहेगा, लेकिन दोस्तों परेशान होने की बजाय आप जो है अपने मन को काफ़ी ज़्यादा शांत रखें और एक दूसरे पर अभी ज़्यादा भरोसा करने से बचिएगा, अन्यथा दिक्कत आप ही को होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे परिवार में आज आपके द्वारा दी गई सलाह व सुझावों का सदस्य मान रखेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपका मान प्रतिष्ठा भी बना रहेगा। इसके उपरांत आज का दिन आपके लिए कुछ चिंता रहने वाला रहेगा पैसों को लेकर, लेकिन दोस्तों आप चिंता मुक्त रहने का प्रयास करें, क्योंकि आज आपको वहां से धन लाभ हो सकता है जहां आप उम्मीद खो दिए थे, उम्मीद करना छोड़ दिए थे। कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु आपके कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश कर सकती हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा और आपको समय लापरवाही करने से बचना होगा। जितना हो सके सावधान और सतर्क रहिएगा, क्योंकि ग्रह सितारे संकेत कर रहे हैं कि विरोधी इस समय आपके सक्रिय रहेंगे और आपको परेशान करने में हर प्रयास संभव करेंगे। आज आपके लिए भाग दौड़ भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ काम रुकने के कारण आप भाग दौड़ में लगे रहेंगे। गृहस्थ जीवन में चल रहे तनाव के कारण आपका स्वभाव थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन रहेगा और इस पर आपको अभी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। गुस्से और चिड़चिड़ापन अभी आप अपने अंदर हावी ना होने दें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका बने बनाए कार्य भी गुस्से की वजह से और चिड़चिड़ापन की वजह से बिगड़ सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। आपको धन लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे और आपका मन जो है प्रसन्न रहेगा, लेकिन दोस्तों आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी कुछ धन व्यय करेंगे। वरिष्ठ सदस्य आज आपको कानूनी मामलों में कुछ सलाह दे सकता है, इसलिए उनसे सलाह मशवरा करना अभी आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपको देखिए कोई संबंधित समस्या है तो उसमें भी आज आपको छुटकारा मिल सकता है, और अविवाहित जातकों के लिए समय उत्तम है, विवाह के प्रस्ताव आएंगे और जो है बिजनेस में किसी बड़े पार्टी को बनाने में आप इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहेंगे। समय कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। आपको इस समय सभी अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढ़ना होगा, सफलता आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद।